वंदेहम श्रीगुरु शुद्धपदकमलम श्रीगुरून् भैष्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छै गुसाईर कोरी चरण बंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हम सब नियम सेवा व्रत का पालन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र मास है और समस्त वैष्णव इस समय बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने का बहुत भारी महत्व है कार्तिक के मास में। और इस समय हम देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर, खासतौर से श्री राधा कुंड में, सुबह से लेकर के रात तक कथा होती रहती है विभिन्न स्थानों पर, और सब लोग वहां जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। येन केन प्रक्रियेण किसी भी प्रकार से कथा सुननी बहुत आवश्यक है। ये मास बहुत आवश्यक है हरि भक्तों के संग में हरि कथा सुनने के लिए। तो सब इस बार, जबकि कोरोना का खौफ नहीं है अभी इतना अधिक, तो इस समय हम देख रहे हैं कि भीड़ है और लोग बहुत अच्छे से कार्तिक नियम सेवा का पालन कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य पर हम लोग भी यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का आस्वादन कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के श्रीमुख से लालसामयी प्रार्थना सुनी, क्योंकि उन्होंने एक लालसा अभिव्यक्त की है प्रिया जी के प्रियतम केशी चरणों में, श्री रूप सनातन जी के चरणों में, कि ये जो पुरुष देह है उसे कब मैं त्यागूं और कब मुझे प्रकृति देह की प्राप्ति हो। हमने ये जिक्र किया, गुरुदेव ने ये बताया कि ये जो प्रकृति देह है ये कोई हाड मास की बनी हुई स्त्री देह नहीं मांग रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। गुरुदेव ने बताया कि जड़ीय स्त्री और पुरुष देह जो है वो एक माध्यम मात्र है भगवत प्राप्ति का, लेकिन अपने आप में वो कुछ भी नहीं है, वो जड़ है। और इस जड़ीय दैहिक अभिमान से जैसे जैसे हम छुटकारा पाएंगे वैसे वैसे हम एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। लेकिन छुटकारा कैसे पाएंगे इसका तरीका भी हमारे प्यारे गुरुदेव ने बताया। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरुदेव हमें सिद्ध स्वरूप का परिचय देते हैं, एकादश भाव देते हैं, उन भावों को प्राप्त करके जब हम मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हैं अपना और अपने सिद्ध देह का ध्यान करते करते हम जब भजन करते हैं, तो उस समय
जैसे जैसे हमारा मंजरी देह का भाव पुष्ट होता है कि मैं फला फला मंजरी हूँ और मेरी ये सेवा है और अन्य सेवाएं हैं और हम प्रिया प्रियतम की अष्टयाम लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो जड़ीय देह आवेश है और दैहिक आवेश है वो समाप्त होता जाता है। ये हमने जाना, हमने ये जाना कि गुरुदेव ने कहा कि देह दैहिक में मैं और मेरा अभिमान त्याग कर प्रकृति अभिमान से विभावित होना होगा। प्रकृति अभिमान का अर्थ है गोपी भाव, गोपी अभिमान। बहुत व्यापक चर्चा हुई कि ये गोपी भाव क्या है। निज सुख यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिर्फ कृष्ण सुख है। कृष्ण सुख के लिए ही समस्त व्यवहार, समस्त चेष्टाएं, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व से भी प्रेम, वो है गोपी भाव। गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ सहती हैं, किसी भी चीज़ का त्याग करने में उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगता, वो किसी भी चीज़ से बंधी नहीं है। कृष्ण सुख के लिए वो पूरी तरह से मुक्त होकर के दौड़ती हैं ठाकुर जी को सुख देने के लिए। तो वही है गोपी भाव। गुरुदेव ने बताया कि पहले तो हमें जब मंजरी भाव का ये शरीर, जब गुरुदेव हमें उसका परिचय देते हैं, तो भजन करने में जब हम बैठते हैं भजन करने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ता है बुद्धिपूर्वक, है ना। यहाँ बुद्धि लगानी पड़ती है कि अब ये लीला चल रही है, अब यहाँ प्रिया प्रियतम बैठे हैं वो ऐसे दिखते हैं, धाम ऐसा दिखता है, सखियाँ ऐसे दिखती हैं। तो शुरुआत होगी बुद्धिपूर्वक ही, कई बार भजन करते करते मन बाहर भी भाग जाएगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि जड़ीय संस्कार पुष्ट हैं हमारे, अनेकानेक जन्मों के संस्कार हैं। और फिर धीरे धीरे निष्कपट भाव से जब भजन होता रहेगा, निरपराध भाव से, तो भजन लगने भी लगेगा। और फिर थोड़ी देर तक मन वहाँ रहेगा, फिर थोड़ी ज़्यादा देर तक मन रुकेगा, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि ये अबुद्धिपूर्वक होगा, यत्न नहीं करना पड़ेगा, बैठते ही सीधा लीला के साम्राज्य में प्रवेश हो जाएगा और हमारी जो जड़ देह है इसकी इसकी मतलब ये महसूस भी नहीं होगी कि हम जड़ देह में हैं। हमें हमेशा लगेगा कि हम सिद्ध देह में ही हैं। और जब ये अभिमान और भी पुष्ट हो जाएगा तो फिर तो जड़ देह का अभिमान एकदम समाप्त होता चला जाएगा। इसे ही कहते हैं जीवन मुक्त दशा। तो गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं कि देखो, जब व्यक्ति रति स्तर पर पहुंच जाएगा तो वो जो चीज यत्न पूर्वक कर रहा है वो अयत्न पूर्वक होगी, यानी एफर्टलेसली होगी, वहां कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा, क्योंकि रति स्तर पर आ गए, है ना, रति स्तर पर पहुंच गया। वस्तुतः जो रति स्तर पर पहुंच जाता है वही है रसिक भक्त, पिछली दफा ये चर्चा भी हुई। तो जब कोई प्रेम प्राप्त कर लेगा तो जल्दी ही उसकी साधक देह भंग हो जाएगी और वो फिर प्रकृति रूप में, यानी गोपी रूप में, स्त्री रूप में नहीं, याद रखिएगा, यहाँ जड़ देह स्त्री की बात गुरुदेव ने नहीं कही है। उन्होंने कहा कि जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मैं पुरुष देह का अभिमान त्याग करके, ये पुरुष देह त्याग करके कब मैं प्रकृति देह प्राप्त करूंगा, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि कब इस दुनिया में घूमती हुई एक स्त्री की तरह मुझे देह मिलेगी। नहीं, इस दुनिया की सारी जो देह हैं वो पंचभौतिक देह है, स्थूल है, परिणाम को प्राप्त है, समाप्त हो जाती है, उसकी जो परिणति है या तो वो राख बन जाती है या उसे कीड़े खा जाते हैं, वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो हमें चिन्मय देह प्राप्त होती है, पार्षद देह प्राप्त होती है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ ना, वहाँ बस आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, और भूख प्यास भी अगर होगी तो वो भी लीला को पुष्ट करने के लिए होगी, श्री कृष्ण के सुख के लिए होगी। वहाँ हर चीज़ श्री कृष्ण के सुख के लिए है, वहाँ गोपियों का प्रेम ही श्री कृष्ण को सुख देता है और गोपियों के इस प्रेम से श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो पुष्ट होता है, वो और भी ज़्यादा बलवान हो जाता है। और जहाँ कृष्ण माधुर्य को बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है, वो असीम है, उनके लिए कोई सीमा नहीं खींची जा सकती, लेकिन तो भी वहाँ बढ़ने का उनका अवकाश रहता है।
गोपियों के प्रेम को देख करके। तो जब गोपी देह की प्राप्ति होगी तो गुरुदेव ने कहा लीला राज्य में तब श्री युगल किशोर की साक्षात सेवा प्राप्त करके साधक आत्मा धन्य हो जाता है। पुरुष देह त्याग कर प्रकृति होने का यही रहस्य है। प्रकृति का अर्थ गोपी प्रकृति है, यही समझ में आता है। गुरुदेव ने कहा गोपियां महाभावती हैं, राधा रानी साक्षात महाभाव की ही मूर्ति हैं, भाव और मूर्ति एक ही वस्तु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो श्री राधा रानी की जो देह है वो भाव की देह है। हमने ये बार बार जाना कि श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है, महाभाव से ही उनके अंग प्रत्यंग गठित हैं। ये याद रखना होगा, महाभाव से ही उनके अंग प्रत्यंग गठित हैं। उनकी उंगलियां, उनके सुंदर हस्त कमल, उनके नयन कमल, उनके अपाद मस्तक, जो कुछ भी गठन है वो सिर्फ महाभाव से है। और उनसे जो प्रकट होता है वो भी विभिन्न प्रकार के भाव ही प्रकट होते हैं। जो भाव की मूर्ति है वो हर बात भाव से ही करेगी, है ना। अनेक अनेक भाव, तो उन भावों को समझना बड़ा मुश्किल काम है, है ना। देखिए मादनाख्या जो महाभाव है, जो श्री कृष्ण के साथ मिलन में प्रकट होता है, उसको समझना, और मोहनाख्या महाभाव यानी कि जहाँ चित्र जल्प और उद्घूर्णा रूप में जो चीज़ प्रकट होती है उसको समझना, वो हम जैसे लोग क्या समझेंगे। लेकिन हमारे प्यारे श्री गौरांग महाप्रभु ने कृपा करके श्री राधा रानी में इन भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई हैं, वो उन्होंने हमें दिखाया। श्री कृष्ण नाम को सुनकर के जो श्रीमन महाप्रभु का आवेश होता, जो श्रीमन महाप्रभु का नृत्य होता, उद्दाम नृत्य होता, वो जो श्री कृष्ण नाम का गायन सुनकर के, नाम सुनकर के, नाम गाते हुए वो जो मूर्छित होकर के गिर जाते, आनंद में निमग्न हो जाते, तब समझ आता कि प्रिया जी जो ये बोलती हैं अपनी सखी को कि सखी केबा सुनाई लो श्याम नाम, काने भीतर पशु लोगो, व्याकुल कर लोगो, मुझे किसने ये नाम सुनाया, कृष्ण नाम किसने सुनाया। तो बोलती हैं कि कान के भीतर ये क्या चीज चली गई कि मेरा जो प्राण है वो व्याकुल होता जा रहा है। नाम में ऐसी माधुरी है कि बदन छाड़ते नारे, मैं अवश्य हो गई हूं, ये माधुरी मुझे छोड़ ही नहीं रही है। अब देखिए हम तो कितना हरि नाम लेते हैं, सारा सारा दिन लोग बैठकर लाखों हरि नाम लेते हैं, लेकिन क्या किसी की ऐसी हालत होती है, नहीं होती। लेकिन प्रिया जी की ऐसी हालत होती है, हरि नाम का जो आस्वादन है वो प्रेम जब तक नहीं होगा हृदय में तब तक वो हरि नाम का आस्वादन कोई ले नहीं सकेगा। हरि नाम परम आस्वादन है लेकिन कोई क्या लेगा। श्री जी बोल रही हैं कि सखी मुझे किसने श्याम नाम सुनाया, मर्म में चला गया, कान से क्या गया, मेरे प्राणों के अंदर वो जाकर बैठ गया। ये जो नाम है ये मुझे अवश्य करता है। अगर नाम में ऐसी माधुरी है, श्रवण में ऐसी माधुरी है, तो साक्षात इस नामी को जब मैं देखूंगी, उसका स्पर्श करूंगी, तो क्या अवस्था होगी, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने नाम की मत्तता दिखाई, नाम में कैसे वो मत हो जाते हैं वो दिखाया। सच बात तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रिया जी के समस्त भावों को अपने ऊपर दिखाया, क्योंकि वो प्रिया जी के महाभाव को लेकर के ही प्रकट हैं, उनके अंग कांति को लेकर प्रकट हैं, ऊपर राधा रानी और अंदर श्री कृष्ण। रोम कूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण होए क्षणे अंग फूले, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भित्ते मुख शर घसे खत होए सब। कोई सो सकता है, भगवान के किसी भी स्वरूप ने ये सब नहीं दिखाया कि प्रेम की उन्मादना क्या होती है, ये प्रेम में तड़पना क्या होता है। प्रिया जी का महाभाव लेकर के आए और दिखाया कि देखो तुम क्या समझते हो श्री राधा रानी को, देखो उनके प्रेम की महिमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनातों के। रोम कूप से
पसीना नहीं रक्त निकलता है। इतना प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं, इतना दिव्योन्माद में युक्त हो जाते हैं हमारे गौर सुंदर, और दांत सब हिलने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, और कभी अंग क्षीण होता है तो कभी अंग फूल जाता है। रात को नींद नहीं आती, जो 10 दशाएं श्री जी अनुभव करती हैं श्री कृष्ण विरह में, पूर्व राग में भी, पूर्व राग भी एक प्रकार का विरह है, पूर्व राग में भी, मान में भी जब अलग हो जाती हैं, प्रेम वैचित्य में भी, और जब सुदूर प्रवास है तब की तो बात ही अलग है। मथुरा प्रवास में तो बहुत ही ज़्यादा ये मातुर विरह का जो अनुभव उन्होंने अनुभव किया, वो दिव्योन्माद जिसके बारे में हम क्या बोलेंगे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने उसी मातुर प्रवास के दिव्योन्माद को पकड़ करके और प्रिया जी के समस्त भावों को एक तरह से दिखाया कि देखो प्रिया जी की प्रेम रस सीमा है। किसी के अंदर ऐसा प्रेम? अगर श्री कृष्ण श्री राधा रानी के पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं, श्री राधा रानी की एक महाभाव की कटाक्ष से उनका मयूर मुकुट गिर जाता है, वो एकदम मूर्छित हो जाते हैं, तो क्या बात होगी? आखिर ज्ञान की मूर्ति जिससे ज्ञान प्रकट है, जो ज्ञानमय है, वो कभी भी मोहित तो नहीं हो सकता, उसे अज्ञान तो मोहित नहीं कर सकता। तो वो संवित शक्ति की मूर्ति है श्री कृष्ण, संधिनी संवित आह्लादिनी शक्ति सब उन्हीं से प्रकटित है। ऐसा तत्व जो स्वयं भगवान है वो प्रिया जी के लिए इतना व्याकुल है, ये कैसा भाव है जो उनको वशीभूत करता है? और ना केवल वशीभूत करता है, उस भाव को अनुभव करने के लिए, उस भाव को ओढ़ने के लिए, उस भाव में अपना ही आस्वादन करने के लिए इतने पिपासित तो हो गए हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु श्री गौरचंद्र कि वो यहाँ आ गए नदिया जिले में, नवद्वीप में, और नीलाचल में बैठकर 12 वर्षों तक जो उन्होंने लगातार आस्वादन किया गंभीरा में, और ख़ास तौर से अंतिम 6 वर्षों का उनका तो बहुत ही ज़्यादा निगूढ़ आस्वादन रहा, जिसे सिर्फ रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर जी ही समझ सके, संभाल सके, और किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। इतने इतने परिकर, लेकिन किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। तो ललिता विशाखा जी के अंदर ही श्रीमती जी को सांत्वना देने की शक्ति है, तो श्रीमन महाप्रभु को रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं और स्वरूप दामोदर जी जो ललिता सखी हैं वो सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन सांत्वना क्या दे रहे हैं? स्वरूप दामोदर जी श्रीमन महाप्रभु की अवस्था देखते हैं और उस अवस्था के अनुसार एक श्लोक गान करते हैं, एक श्लोक गान करते हैं। तो एक तो स्वरूप दामोदर जी का कंठ ऐसा कि त्रिभुवन को क्षुब्ध कर दे, एकदम क्षुभित हो जाए। क्षुब्ध का मतलब दुखी नहीं, एकदम वो प्रभावित तो हो जाए, हर व्यक्ति खींचा चला आए। ऐसा मधुर कंठ है हमारे स्वरूप दामोदर जी का। तो ऐसा गान, उनकी आवाज, और ऊपर से गीत गोविंद, ऊपर से गीत गोविंद का विषय, जहां पर सब कुछ है ही श्री राधा जी की दृष्टि से, और फिर ऊपर से कृष्ण कर्णामृत के श्लोक, वहां भी सब कुछ प्रिया जी ही की दृष्टि से सब कुछ बताया गया है। तो उनका दिव्योन्माद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। रामानंद राय जी जाते हैं और श्रीमन महाप्रभु को आलिंगन करते हैं और उनको सांत्वना देकर बिठाते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के भाव श्री गौरहरि के शरीर को मर्दित कर रहे हैं, भाव भाव में युद्ध हो रहा है, और जो उस युद्ध का अखाड़ा, उस युद्ध का रणक्षेत्र बन गया है हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु का कोमल सुंदर वपु, उनका श्री विग्रह ब्रजेंद्र नंदन है, आस्वादन कर रहे हैं, यानी कि इतना आनंद है। आनंद के अलावा श्याम सुंदर तो कभी किसी दुख का आस्वादन तो नहीं कर सकते ना, वो तो आनंद का ही आस्वादन करते हैं क्योंकि वो आनंदमय है। इसका मतलब विरह कितना आनंदमय है, तभी तो आस्वादन कर रहे हैं। और हमारे अंदर भी युगल सरकार का विरह जागृत होना चाहिए, तभी तो हम आनंद को पा सकेंगे, तभी तो हरिनाम का आस्वादन ले पाएंगे,
तभी तो अर्चन का, पूजन का, तीर्थ यात्रा में आने का, वैष्णव के संग का, भाग श्रीमद् भागवतम का, सबका आस्वादन तभी तो आएगा। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, ध्यान से समझना, भाव और श्री राधा रानी एक ही वस्तु है, महाभाव और प्रिया जी एक ही वस्तु है। श्री राधा किंक्रिया, श्री राधा रानी की ही अभिन्न देह अभिन्न प्राणा है, इसलिए साधक की गोपी प्रकृति देह भाव की ही देह है। जो राधा जी की किंक्रिया है वो प्रिया जी की अभिन्न प्राणा है, अभिन्न देहा है ना। प्रिया जी का जो प्रेम सिंधु है, उस सिंधु पर जो झाग उठता है, उस झाग का एक कण प्रिया जी की किंक्रियों की एक देह है। प्रेम सिंधु की तरंगों का, तरंगे जो आपस में उठती हैं और उसमें झाग उठता है, वो प्रेम सिंधु के तरंग जब आलोड़ित होती है उसके झाग से, तो यानी ये झाग, ये तरंगे उठती कहाँ से? हमें तो ऊपर से दिखता है ना तरंगे उठ रही है, लेकिन अंदर से होता है सब कुछ। समुद्र के अंदर से लहर ऊपर तक जाती है और तब वो तरंग उठती है। तो प्रिया जी के अंदर से समस्त भाव रूपी रत्न को लिए हुए ये जो प्रेम सिंधु है, उसकी जो एक बिंदु है, उसका जो फेन का एक बिंदु है, वो है किंकरी की देह। इसीलिए बोला कि वो जो किंकरियाँ हैं वो प्रिया जी के भावों से पूर्ण तादात में रखती हैं। प्रियाजू अगर प्यासी होती हैं, उससे पहले किंकरियों को प्यास लगती है, अगर वो जो है दुखी होती हैं, उससे पहले इनको दुख हो जाता है। उनके हृदय में जो भी बात उठती है, इससे पहले इनको हो जाता है, किंकरियों को। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, अजीब भी लगता है, अविश्वसनीय भी लगता होगा, लेकिन मैंने तो इसी जगत में इस चीज़ को देखा है, अनुभव भी किया है और भी सुना है। हमारे एक प्यारे सिद्ध बाबा रहे हैं, पंडित श्री रामकृष्ण बाबा जी, जो श्री वृंदावन में श्री भागवत निवास में ही रहा करते थे अनेक वर्ष पूर्व। तो बचपन में वो गोविंद देव जी के साथ कंचे खेला करते थे और पतंग उड़ाया करते थे। तो उनके साथ उनके एक सेवक रहा करते थे, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज। तो श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज को उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी, परंतु दीक्षा के बगैर काम भी नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने उनको दीक्षा दिलवा दी थी एक बहुत बड़े महत के पास। लेकिन शिक्षा उनको भजन की पूरी पूरी देते थे। श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, एक प्राण जैसा उनका पूरा चलन था, वैसी ही स्थिति थी। तो उनको प्यार से वो बच्ची कहा करते थे, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी कृपा सिंधु दास बाबा जी को बच्ची बोला करते थे, बच्ची यहाँ आओ, बच्ची ये कर लो, बच्ची वो कर लो, अपने सिद्ध स्वरूप में ही रहा करते थे। तो एक बार उनके दांत में दर्द हुआ, लेकिन वो जो दांत का दर्द है वो कृपा सिंधु दास बाबा जी के दांतों में रिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ इनको कोई तकलीफ होती थी, उनके सेवक को भी वही तकलीफ हो जाती थी, सब कुछ जो कुछ यहाँ होता था वो चीज़ वहाँ रिफ्लेक्टेड होता था। और ये तो हमेशा अपने भावों में रहा करते थे। वैद्य ने पूछा कि बताइए कौन से दांत में दर्द है, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, बच्ची से पूछ लो कौन से दांत में दर्द है, वो जानते है ना। तो यहाँ इस दुनिया में भी ऐसा होता है, गुरु और शिष्य का जब बिल्कुल निविड़ संबंध होता है तो गुरुदेव की हर बात शिष्य के हृदय में उभरने लगती है, वो एक प्राण हो जाते हैं। ऐसे ही जो प्रिया जी की किंकरियाँ हैं उनके लिए तो सारा सुख प्रिया जी को ही सुख पहुँचाने में है, युगल सरकार को सुखी करने में है। उन्हें पता है कि अगर हम युगल सरकार को खुश करेंगे, श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो अमार ईश्वरी होन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भजिबो गिरधारी। मेरी जो ईश्वरी हैं वो तो हैं वृंदावनेश्वरी जी, पर उनके प्राणनाथ गिरधारी हैं, इसलिए मैं उनका भजन करती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, साधक की गोपी प्रकृति देह भाव की देह है, ये जड़ीय स्थूल शरीर वाले देह नहीं है,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाली देह नहीं है। और प्रकृति स्वरूप के चिंतन में भाव के चिंतन की प्रधानता ही रहेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो गुरुदेव ने कहा। जब हम अपने को स्त्री के रूप में सोचेंगे, यानी गोपी के रूप में सोचेंगे, तो गोपी रूप में नहीं सोचेंगे, गोपी भाव के रूप में सोचेंगे। उनका भाव क्या है, मेरा भाव क्या है, प्रिया प्रियतम के साथ मेरा भाव क्या है, वो अगर मेरी स्वामिनी है, मेरी ईश्वरी है, तो क्यों है, क्या संबंध है। पहले तो संबंध जानना होगा ना। गुरुदेव ने कृपा करके संबंध बता दिया, हम प्रिया जी की किंक्रियाँ हैं, दासी अनुदासी हैं। पहले संबंध जानेंगे, फिर उपाय जानेंगे। जब हमें गुरुदेव से दीक्षा मंत्र प्राप्त हो जाते हैं, तो उस दीक्षा मंत्र के द्वारा संबंध की पुष्टि होती है, वो उपाय होता है। और धीरे 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 हम अपने सिद्ध स्वरूप में बैठ करके भजन करते हैं, तो वही पकता है, उसी की प्राप्ति होती है। तो ये याद रखना होगा कि प्रकृति स्वरूप के चिंतन में भाव के चिंतन की प्रधानता रहेगी, शरीर के चिंतन की नहीं। कोई ये ना सोचे कि अरे तुम भी स्त्री हो और हमारा भी स्त्री भाव का भजन है, तुम देखो मेरे को पुरुष मत समझ लेना, मैं भी स्त्री हूँ और तुम भी स्त्री हो, आओ साथ साथ बैठे, आओ गले मिल जाए, क्योंकि तुम भी स्त्री हो और मैं भी स्त्री हूँ, अरे पुरुष मत देखो मुझे, जानती नहीं मैं मंजरी भाव का भजन कर रही हूँ, ऐसा मत समझने लग जाना। महापाप है, महापराध है, महाघातक है कि अगर हम अपने शरीर को, जो कि पुरुष आकृति का है, और उसमें काजल बिंदी लगा लेंगे, चूड़ियाँ पहन लेंगे, दो चार बालियाँ पहन लेंगे, बड़े बड़े बाल कर लेंगे और साड़ी वाड़ी पहन लेंगे, तो हम प्रकृति हो गए। यहाँ हमारे प्यारे गुरुदेव ने एक बात बोली है कि ये गोपी प्रकृति देह भाव की ही देह है। अपने को जब आप प्रकृति स्वरूप में देखें तो भाव के चिंतन की ही प्रधानता रहेगी। तो इसका अर्थ ये है कि हमें प्रिया जी के भावों को समझना होगा, हमें लीला में डूबना होगा, वहाँ भाव रूपी रत्न उठाने होंगे, श्याम सुंदर के भावों को देखना होगा, प्रिया जी के भावों को देखना होगा। और इसके लिए बहुत गाइडलाइंस हैं, बहुत मार्गदर्शन दे रखा है हमारे गोस्वामियों ने, इतनी इतनी लीलाएं उन्होंने बखूबी वर्णन किया है अपने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में। उन सबको पढ़ने से हमें भावों की उपलब्धि होती है ना, भाव का चिंतन करना होगा। गुरुदेव ने कहा, रागानुगा भजन के अधिकारी निरूपण में तेषां भावाप्तये लुब्धः तद भावाकांक्षिणो ये स्युः इत्यादि महाजन वाक्यों में भाव के प्रति लोभ या आकांक्षा को ही ग्रहण किया गया है। रागानुगा भजन का मतलब यही है कि जब रागात्मिका परिकरों के भावों के प्रति लोभ होता है कि हमारे भी ऐसे भाव हों, जैसे रूप मंजरी जी का भाव है प्रिया जी के लिए, जैसे वो उनके भावों को समझ करके भाव अनुसार सेवा कर रही हैं, ऐसे ही उनके भावों को मैं भी प्राप्त कर सकूं, ऐसे ही मेरे भी भाव हों, मैं भी ऐसे युगल सरकार की सेवा करूं, तो कितना अच्छा हो, ऐसी सेवा कब मिलेगी। बार बार उनकी सेवा का चिंतन, सेवा में क्या भाव हैं उसका चिंतन, और फिर अपने भाव का चिंतन किंकरी के रूप में, ये है प्रकृति चिंतन, ये है अपने स्वरूप का चिंतन। तो गुरुदेव ने कहा उनके भावों को प्राप्त करने का जो लोभ है वही है मुख्य बात, लोभ का भजन है। हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, भाव के प्रति लक्ष्य ना रहने से तद भाव भावित अंतःकरण का गठन साधक के लिए अति दुष्कर है। याद रखिए, ये हम इस दुनिया में भी देखते हैं, इस जगत में भी देखते हैं कि एक अच्छा सेवक किसे कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है ना जो अपने मालिक के मन को समझे, मन के अनुसार कार्य करे। हम रिश्तों में भी देखते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता है, मैं आज के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, पुराने ज़माने में चले जाइए, जहाँ पर स्त्रियाँ कमाने नहीं जाती थी, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता था, गृहस्थी का भी बोझ, बच्चों का भी बोझ, ड्राइविंग का भी बोझ, और फिर बोझ ही बोझ, और नौकरी का भी बोझ, और बाहर के काम निपटाने का भी बोझ, और फिर उनसे कहें कि तुम जो है सब पति को परमेश्वर मानते हुए चलो, तो वो बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि घर ही वो चला रही होती हैं आमतौर पर आज के ज़माने की औरत, है ना, जो कि अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पीछे लौटते हैं हम अपनी बात को, हम अपनी बात पर आना चाहते हैं इसलिए पीछे लौटते हैं।
ऐसा भी एक समय था जब घर का जो पुरुष था वो बाहर काम पे जाता था और स्त्री घर संभालती थी, बाल बच्चे देखती थी, अच्छे संस्कार डालती थी उनमें, ठीक है ना, भगवान का नाम बोलती थी, नाम भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता था। एक ऐसा भी ज़माना था, वो चाहे लुप्त हो गया हो पर था, तो बीते ज़मानों की बात है। तब क्या होता था, तब एक आदर्श पत्नी उसे ही कहते थे जो अपने पति के भाव के साथ अपना भाव मिला करके और उनकी सेवा करें। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि अगर पति भगवान का भजन करता है और पत्नी कुछ भी नहीं करती, घर संभालती है, बच्चों में संस्कार डालती है और ऐसे पति की खूब सेवा करती है, तो उसे कठिन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं, कठिन नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका शरीर वैसे भी बहुत कोमल है, है ना, उसको दिन रात जग जग करके सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत भी कर लेगी या पति ही की सेवा कर देगी तो भी उसे आनुषंगिक रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति की बात हो रही है यहाँ, रागानुगा भजन और उसमें किंकरी भाव की प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि एक आदर्श पत्नी उसे कहा जाता था, एक आदर्श सेवक उसे कहा जाता था जो अपने मालिक के मन मुताबिक समस्त कार्य करे और मालिक बोले, अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं ये चाहता था, तुमने ये कर दिया, अरे आज कैसे पता चला मेरा तो यही खाने का मन था तुमने वही बना दिया, अरे आज ये तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आज यही शर्ट पहननी थी, आज मुझे ऑफिस में जाना था और तुमने वो कर दिया। मन के अनुसार, मन कैसे समझ लिया, हम इस दुनिया में भी तो देखते हैं, पत्नी ने अपने पति का मन समझ लिया, बच्चों ने अपने माँ बाप का मन समझ लिया, माँ बाप प्रसन्न हो गए, एक सेवक ने अपने मालिक का मन समझ लिया और मालिक बोल रहा भाई तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, बड़ा ही विश्वसनीय व्यक्ति है, तुम मेरे साथ ही रहो, कैसे होता है, तो वो बड़ा ही प्यारा हो गया, वो पत्नी बड़ी ही प्यारी हो गई कि ये तो मतलब हर जगह मेरा साथ निभाती है खड़े होकर के, नौकरी करने से सब कुछ नहीं होता, ये हर जगह खड़ी होती है, हर पायदान पर, मैं आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ अपने इस शरीर को देखते हुए भी कि मैं कितना बीमार हूँ तो इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा साथ देती है और कहीं ईगो हैसल्स नहीं है, कोई अहंकार या अभिमान बीच में नहीं आता है। तो अपने को न्योछावर कर देना अपने प्रिय के सुख के लिए, तभी हम प्रिय के प्रिय बन पाएंगे। यहाँ पर वही चीज़ है प्रिया जी के लिए, युगल सरकार के लिए, यहाँ स्वसुख इसलिए नहीं है क्योंकि बनी ही सेवा रस से है, युगल सरकार की सेवा ही के लिए बनी है ये सारी किंक्रियाँ। प्रेम सिंधु के एक बूंद है ना, तो प्रेम सिंधु की एक बूंद है तो जिसका सिंधु है उसी की तरफ जाएगी, ये कहीं और जा नहीं सकती। ये इस देह के चिंतन से, यानी कि हमारे सिद्ध स्वरूप का चिंतन जब हम बैठ कर करेंगे तो वो सिद्ध स्वरूप हमें हमेशा युगल सरकार की सेवा में ले जाएगा। इसलिए आत्मचिंतन का मतलब है सिद्ध स्वरूप का चिंतन। आगे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर भाव के प्रति लक्ष्य नहीं रहा, भाव नहीं समझ आया, भाव को नहीं पकड़ा, भाव के प्रति लक्ष्य नहीं रहा, तो हमारा जो अंतःकरण है तब वो तद भाव भावित नहीं होगा, यानी उनके भाव से ही हमारा भाव गठित हो। हम तो जानते ही नहीं क्या हुआ, कैसी हैं प्रिया जी, कैसी व्याकुलता है, हम तो समझते ही नहीं, पर हाँ एक हमें पन्ना मिल गया जिसमें गुरुदेव ने एकादश भाव दे दिए, उसको लपेटा रखा और रख करके भूल गए, अब दीन दुनिया के सारी चीजों में बिजी हैं, ठीक, या रोबोटिक वे में हमने अपना योगपीठ मंत्रमण वगैरह कर लिया, उसके बाद सारा दिन फ्री हो गया भजन, हाँ भजन हो गया, मर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तद भाव भावित अंतःकरण, इसी को अंडरलाइन कर लीजिए जीवन में, तद भाव भावित अंतःकरण, बस इस पर नजर रहेगी, इस पर लक्ष्य रहेगा, इस पर फोकस रहेगा तो सब चीज ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी गुरु गौरांग की कृपा से। तद भाव भावित अंतःकरण, इसका गठन साधक के लिए दुष्कर होगा अगर भाव को नहीं देखा। और याद रखिए प्रिया जी का विग्रह, हमारी जो समस्त गोपियां हैं वो सब महाभाव से ही तो बनी हुई हैं, महाभाव प्रधान है, महाभाव की तरफ नजर तो रखनी होगी, चाहे हम
अणु प्रेम हमारे पास आएगा तो भी स्वरूप शक्ति की तो कृपा है, गुरु गौरांग की तो कृपा है। तो आगे गुरुदेव ने कहा कि देखिए, तद्भाव भावित अंतःकरण की अस्पष्टता से शुद्ध देह का चिंतन भी अस्पष्ट रह जाएगा। हजार करोड़ बार बता लो अपने आप को मैं फला फला मंजरी हूं, लेकिन तद्भाव भावित अंतःकरण हुआ नहीं, उनका भाव समझ आया नहीं, आपका हृदय सूना सूना है, तो फिर मंजरी स्वरूप का चिंतन, उस देह का चिंतन भी अस्पष्ट रह जाएगा, क्योंकि वो देह भाव से प्रकट होती है, वो भाव की बनी देह। अभाव अगर है भाव का हृदय में तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही कह पाएंगे हाँ कि तुझे स्वरूप मिल गया, हाँ मुझे मिल गया, बस अच्छा चलो मैं भी मिल गया कि कैटेगरी में आ गई, मैं भी कर रही हूँ भजन, उस कैटेगरी में आ गई, है ना। ये अपने को समझाने के लिए ये ख्याल अच्छा है वाली बात है, लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं पहुँचने वाले। इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, तद्भाव भावित अंतःकरण की अस्पष्टता ना होने पाए। हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है, जो इनर कॉन्शियसनेस है, वो हमारी प्रिया जी के भाव के द्वारा भावित हो, तभी तो है ये भाव उल्लास रति। ये रति आती कहाँ से? भाव से उल्लसित होती है, प्रिया जी के भाव से उल्लसित रति है ये। हम राधा स्नेहादि का मंजरियाँ हैं तो होगी ही नहीं। इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि साधकों में गोपी का भाव के प्रति जिसका जिस मात्रा में लोभ बढ़ेगा अथवा अंतःकरण तद्भाव से संस्कार बद्ध होगा, वह उसी मात्रा में रागानुगा भजन में अग्रसर होगा, ये समझना होगा। साधकों में गोपी भाव के प्रति जिसका जिस मात्रा में लोभ बढ़ेगा, गोपी भाव पहले समझोगे तो तभी तो लोभ बढ़ेगा। एक चित्रा सखी है, एक विशाखा सखी हैं, एक रूप मंजरी जी हैं, रति मंजरी जी हैं, मंजरियों के नाम रट लिए, है ना, ये यहाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन इनका भाव कैसा है? ये किस भाव से सेवा करती हैं? भाव कैसे पता चलेगा? उनके लिखे हुए ग्रंथों का अनुशीलन करने से और प्रार्थना करने से। जैसे हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कदम कदम पर कि रूप सनातन जी मुझ पर कृपा करो, हे रूप मंजरी जी मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, बार बार कृपा मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो कृपा मांगते रहना पड़ेगा। पहले अपना चिंतन करना होगा कि मैं फला फला मंजरी हूँ, उसके बाद जो मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र में उस भाव को लाना पड़ेगा, ठाकुर जी को, युगल सरकार को, गौर को, निताई को देखना होगा उनके भाव समेत, भाव रहित होकर नहीं, भाव समेत। ये नहीं कि हमने एक पन्ना उठा लिया उसमें ठाकुर जी बने हुए और फटाफट से उनके चरणों में तुलसी मंजरी वगैरह कर दिया और बोल दिया हो गया हमारा काम, ना ये क्या, ये तो धोखा है, धोखा, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। तुम्हारी योग पीठ वगैरह कितने में हो जाती है? 5 मिनट में। मंत्र मन में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, इतना फास्ट हूँ। जिंदगी मिली है सिर्फ भजन के लिए और हम 15 मिनट से कम टाइम में कर लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि गोपी भाव समझना होगा और जिसका जिस मात्रा में लोभ बढ़ेगा या जिसका अंतःकरण उनके भाव से जितना संस्कार बद्ध होगा वह उसी मात्रा में रागानुगा भजन में अग्रसर होगा। यही है असली रागानुगा भजन, तद्भाव भावित होना। ये नहीं कि हम एक विशिष्ट संप्रदाय से जुड़ गए, हमने गुरुदेव से दीक्षा शिक्षा सब ले लिया, बस ग्रंथ हैं, हाँ मेरे पास ये ग्रंथ भी है, पढ़ ली, हमने एक बार पढ़ ली, अब बताइए माता जी दूसरा ग्रंथ क्या पढ़े? पढ़ ली हाँ, मैं तो अभी तक नहीं पढ़ पाई। श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, हाँ एक बार श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, दूसरा कोई ग्रंथ बता दीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, अरे कहाँ है आपके चरण, मेरा सिर है ना इस पे रखो अपने चरण, आप लोग पढ़ लिए भैया, मेरे से तो अभी तक एक शब्द भी नहीं समझ आया, मैं तो एक शब्द पर ही हार मान गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने तो हमें चारों खाने चित्त कर दिया, हम तो नहीं पढ़ पाए, आप बड़े भाग्यवान हैं पढ़ लिया आपने। श्री विलाप कुसुमांजलि पढ़ ली जी, पूरी पढ़ ली, पढ़ ली,
पढ़ ली। अरे अत्यंत उत्कट विरह अनले विरह अनलेन तुम ये सब डाइजेस्ट कर गए, तुम्हें समझ आ गया, अंत तक पहुंच के पढ़ के और ग्रंथ को रख दिया अलग। तो फिर गोपी भाव पता चल गया, गोपी भाव के प्रति जिसका जिस मात्रा में लोभ बढ़ेगा अथवा अंतःकरण तद्भाव से संस्कार बद्ध होगा। गुरुदेव की जो भाषा है ना बड़ी अनुपम भाषा है। हमारे आचार्यों की खासियत यह है कि वो कम शब्दों में पूरे ब्रह्मांड, इतने कम शब्द होते हैं, एक लाइन होती है, मगर ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड भर जाएंगे इनके अर्थ को करने में। एक लाइन है सिर्फ, ये एक पंक्ति है। गुरुदेव ने सीधी बात बोल दी कि तद भाव भावित अंतःकरण की अस्पष्टता से सिद्ध देह का चिंतन अस्पष्ट रह जाएगा, बस खत्म। अब ये बात इतनी गुरुतर बात है, ये इतनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आगे कहते हैं श्रील ठाकुर महाशय कि दुह अंगे चंदन पुराबो निवेदये नरोत्तम दास। इस शेष अंश में श्री युगल को सेवा माधुरी और उनके साथ उनकी रूप माधुरी के आस्वादन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपनी सेवा दीजिए, कि आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। याद रखिए सेवा बहुत मधुर है प्रिया प्रियतम की। प्रिया प्रियतम स्वयं बड़े मधुर हैं, उनका निकुंज बड़ा मधुर है, उनके भाव बड़े मधुर हैं, उनका प्रेम बड़ा मधुर है, उनके शरीर के आभूषण बड़े बड़े ही मधुर हैं। ब्रज का जो है हर लता पता बड़ी मधुर है। अब मधुरता की क्या सीमा बोले, मधुरता ही मधुरता है, मधुर से भी मधुर से भी मधुर से भी मधुर। जब श्रीमन महाप्रभु जो कि ब्रजेंद्र नंदन है, वही श्री कृष्ण की मधुरता की कोई सीमा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और प्रिया जी के प्रेम की को असीम बोल दिया गया है कि क्या सीमा निर्धारित की जाए, तो फिर कोई क्या कर सकता है ना। तो ये जो सेवा माधुरी है ये कैसी है और रूप माधुरी कैसी है, देखिए ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं। ठाकुर महाशय नित्यानंद जी के प्रेम की मूर्ति हैं, नित्यानंद जी का ही अवतार समझ लीजिए हैं। और लेकिन क्या कह रहे हैं कि मुझे ना आपकी रूप माधुरी का आस्वादन मिले और सेवा माधुरी का आस्वादन मिले। यानी इस जगत में जब हम किसी की कोई सेवा करते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, तो कर्तव्य होता है, वो तो करना होता है, इसलिए हम कर देते हैं। लेकिन हम छटपटाते नहीं है कि ये सेवा फिर कब मिलेगी, अरे मम्मी पापा फिर से ये वाली सेवा दो, अरे पति देव जी फिर से वाली सेवा दो, अरे पुत्र तुम फिर से हमको यही सेवा दो। प्रेम है, प्रेम तो होता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पर, तो यहाँ की सेवा मधुर नहीं है। और यहाँ का रूप, हाँ यहाँ का रूप थोड़े समय के लिए मधुर लगता है दूर से देखते हैं जब, लेकिन जब ज्ञान की चक्षु खुलने लगते हैं तब दिखता है ओहो ये तो बड़ा भयंकर है। जैसे कि पिंगला जी कहती हैं कि ये शरीर जो है वो एक घर है और ये हड्डियाँ जो हैं वो अनेक प्रकार के बाँस वाँस शहतीर हैं, जिससे कि वो घर जिस पर टिका पड़ा है, जिस पर ये जो चमड़ा है ये रोए हैं उससे ये घर कवर्ड है, कवर्ड। और इसके अंदर बस दो ही संपत्ति रहती है, मल और मूत्र, ये संपत्ति है इस घर की। तो यहाँ का जो रूप है उसको कितना भी सजा लीजिए संवार लीजिए, तो बिना सजावट के वो रूप इतना सुंदर ही नहीं लगता। और अगर सुंदर लगता भी है तो फिर ध्यान से देखते हैं कि इनकी आंखों से तो कोई सुगंध नहीं आ रही है, ना इनके होठ से कोई सुगंध आ रही है, ना इनके नाक से कोई सुगंध आ रही है कमल के पुष्प की, ना इनके कान से सुगंध आ रही है ना। इनका पूरा अंग बदबू से भरा पड़ा है, विभिन्न प्रकार के अंगों में विभिन्न प्रकार की बदबू है, अलग अलग टाइप की बदबू है। लेकिन प्रिया जी का शिव विग्रह, श्याम सुंदर का शिव विग्रह ऐसा नहीं है।
अगर उनके श्री विग्रह से नील कमल की खुशबू आ रही, तो वो नील कमल या कमल वो इस जगत का कमल नहीं है, वो गोलोक का कमल है। ये भी समझना होगा। हमारे जो श्याम सुंदर हैं, उनके लिए किसी ने एक बहुत सुंदर बात बोली। देखिए कैसा रूप है, कि ऐसा रूप है कि यहाँ का आदमी अगर कीचड़ में गिर जाए तो हम उसे सुंदर नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या, बोलो? यहाँ का आदमी अगर कीचड़ में गिर जाए और उसके बाद वो आए तो उसे सुंदर कहेंगे? या वो धूल दूसरी तो हो जाए तो हम बोलेंगे नहा के आओ, शक्ल नहीं देखी जा रही तुम्हारी। लेकिन हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, शुभांक, उन्होंने कहा, ये श्री रूप गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है ये श्लोक, जे गोवर्धन मूल करदम रस व्यादष्ट बरहांगदा, ये वृंदावन कुक्षिशु ब्रजवधु नीलोपधानानि च, जे चाभ्यंग सुगंधयः कुवलया पीड्यस्य दानां भसा, ते वो मंगला मादिशंतु सततम कत्सुद्विशो बहवः। भगवान के पूरे श्री विग्रह के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी एक बाजू की एक बांह की ही चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया अपने वाम बाजू पे, तो उन्होंने झुककर उठाया होगा, तो झुककर के जब गिरिराज जी को उठाया तो वहाँ पर नीचे, क्योंकि बरसात हो रही थी, इंद्र ने खूब बारिश की हुई थी, तो वहाँ बहुत सारा कीचड़ था, तो वो जो कीचड़ है वो उस पर्वत के साथ ऐसे बह करके श्याम सुंदर के हाथों से ऐसे आने लगा और आते हुए यहाँ बाजू बंद तक आ गया। और श्याम सुंदर का इतना सुंदर श्री विग्रह है कि वो जो ब्रजरज है, जो पंख के रूप में है, कर्दम के रूप में, कीचड़ के रूप में दिख रही है, वो श्री श्याम सुंदर के हस्त कमल पर और उनके मणिमय बाजूबंद तक जाती हुई इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है कि देखने वाले अश्रुपात कर रहे हैं, उसकी सुंदरता से मोहित हो रहे हैं। श्याम सुंदर के श्री अंग पर वो जो कर्दम है, वो जो गीला गीला रज निकल के यहाँ पर गिर रही, वो इतनी सुंदर लग रही है कि वहाँ से आंखें नहीं हट रही हैं। और उससे केयूर, उनका जो मयूर पंख है, वो भी पंकिल हो गया, वहाँ वो रज लग गई और यहाँ भी जो है वो रज लग गई। और भी बहुत कुछ आगे वर्णन है इसका, तो वो सब तो वर्णन नहीं करेंगे, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि श्याम सुंदर का जो रूप है, प्रिया जी का जो रूप है, वो इतना दिव्य और इतना सुंदर है, और प्रत्येक अंग से अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है, किशोरी जी के भी और श्याम सुंदर के भी, अलग अलग है ना, और दिव्य सुगंध। वो सुगंध ऐसी है कि अगर किसी को उसका एक कण भी मिल जाए तो वो फिर सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ समाप्त, उसका जगत वगत दीन दुनिया लोग वो सब कुछ खेल नजर आएगा, सब बेकार है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे प्यारे गुरुदेव जो कह रहे हैं कि इनके रूप माधुरी का मैं आस्वादन करूं, इतना योग्यता दो मुझे, मैं लायक बनूं, रूप माधुरी तो अनुपम है पर मुझ में लेने की ताकत आए, मैं ले पाऊं, मैं अपने में समाहित कर पाऊं, योग्यता हो, और सेवा की जो सुंदर माधुरी है और सेवा से युगल सरकार का जो सुख होगा, वो माधुरी आप मुझे दीजिए कि मैं उनको सुखी कर सकूं। और कितनी मधुर सेवाएं हैं किंकरियों की, जो सखियां भी नहीं सोच सकती उनकी कभी सेवा हो सकती है, ऐसी ऐसी प्यारी रहस्यमयी सेवाएं हैं। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, श्री युगल की सेवा माधुरी और सेवा के साथ साथ
जिस प्रकार का उनका रूप अलग अलग तरीके से अलग अलग रहता है, हंसते हैं तो अलग, बैठे हैं तो अलग, विहर रहे हैं तो अलग, विलास कर रहे हैं तो अलग, उसके पश्चात अलग, उससे पहले अलग, परकिया भाव है, ये आशंका कि कहीं कोई आ तो नहीं गया ससुराल पक्ष के लोग, तो जो रूप अलग नज़र आता है वो अलग, वो भय अलग, और वो जो क्रोध, वो जो वाम्यता है, वो जो मान है, जिसको देखने के लिए श्याम सुंदर भी तरसते हैं, और जिसके लिए ये योगमाया जी ने ठीक किया कि भाई एक विपक्ष में भी गोपियाँ होनी चाहिए, और प्रिया जी की ही काय व्यू हैं चंद्रावली आदि समस्त गोपियाँ, तो वो भी प्रिया जी की सुंदरता को और विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमा को बढ़ाने में मदद करती हैं, नहीं तो उनका विप्लब्धा खंडिता ये भाव कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा कालहांत्रिता, कैसे दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। मान कैसे दिखेंगे, तरह तरह के मान का रस कैसे आस्वादन कर पाएंगे। प्रिया जदि करे ताड़न भर्सन वेद स्तुति से हरे से ही मोर मन, वेद स्तुति होते हरे से ही मोर मन, प्रिया जी का ताड़न भर्सन सुनूंगा तो लगेगा कि हाँ कुछ पाया, उसके लिए इतनी प्यास इतनी पिपासा। तो ये भाव, ये सारे भाव भला कौन समझेगा, सब तो मादनाख्या महाभाव से उत्थित रूप है, मादनाख्या महाभाव से उत्थित फटकार है, ताड़न भर्सन भी मादनाख्या महाभाव से उत्थित है, श्याम सुंदर वशीभूत है, कहाँ कोई समझेगा और कौन किसे समझाएगा, ना कोई बोलने लायक है ना कोई समझने लायक ही है ना, कहाँ से क्या होगा, गुरुदेव जिस पर कृपा करें। बहरहाल बहुत सुंदर चर्चा चल रही है सेवा माधुरी और रूप माधुरी का आस्वादन करना चाह रहे हैं श्री ठाकुर महाशय, और ये चर्चा जारी रहेगी हमारी आगे भी। इसी के साथ आज की भागवत कथा को यहीं विश्राम देने की आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु नित्याय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।